दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की। एक ऐसा भारत जिस पर अंग्रेजों ने किया था एक जमाने में राज। तकरीबन 200 साल राज करने के बाद हमारे कुछ स्वतंत्र सेनानियों ने मिलकर अंग्रेजों से खूब लड़ाई की। ये लड़ाई कई सालों तक चली, मगर एक दिन अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने भारत को आज़ादी दिलाई और भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों, जब भी आज़ादी की बात आती है तो हमारे जहन में कुछ नाम आते हैं, कुछ चेहरे आते हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। चलिए मैं आपको वो नाम बताता हूँ। सबसे पहले नाम आता है महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। ऐसे बहुत से नाम हैं दोस्तों जो हमें याद आते हैं, मगर कुछ नाम ऐसे भी है जो हमने कभी नहीं सुना, और वो हीरो ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना माल, घर बार सब कुछ निचावर कर दिया इस देश पर, और अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हो गए। ना हमको उन क्रांतिकारियों के नाम बताया गया है और ना हमने कभी जानने की कोशिश की है। आप सही समझे दोस्तों। चलिए मैं आपको वो क्रांतिकारियों के नाम बताता हूँ जिन्होंने भारत की लड़ाई लड़ने में सब कुछ अपना निचावर कर दिया और खुद भी इस देश पर शहीद हो गए, और उनके नाम ये हैं। क्या कि शायद लड़ाई में मदद के बदले अंग्रेज उन्हें आज़ाद कर दें। विश्व युद्ध खत्म होने के महज एक साल बाद ऐसा लगने लगा। सबसे पहले आते दोस्तों पीर अली, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला, असफ अली, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यूसुफ मेहर अली, मोहम्मद अब्दुल रहमान, सैफुद्दीन किचलू, हकीम अजमल खान, अरुणा आसफ अली, शेर ए हिंद टेपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, अब्दुल मजिद दरियाबादी, इनायतुल्ला खान, सर सैयद अहमद खान, सैयद मीर निसार अली, मकबूर अहमद एजाजी, जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबादी, अल्लाह बख्श सुमरो, मौलाना मजरुल हक, मौलवी अलाउद्दीन, मौलाना शौकत अली, हुसैन अहमद मदनी, शाह नवाज खान, बदरुद्दीन तैबजी। दोस्तों, ऐसे बहुत से मुस्लिम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी जान व माल सब कुछ इस देश पर लुटा दिया, मगर आज उनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? भले ही उनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा हो, मगर इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और वो हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आप भी चाहते कि ये स्वतंत्र सेनानी हमेशा हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि
इनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहे और उन लोगों को भी पता चले जिनको ये सेनानियों के नाम नहीं पता है, ताकि इनका मर्तबा और बढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमानों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आखिरी तक मेरी वीडियो देखी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।